सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। जीके की ऐसी ट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बता रहा हूँ जो क्वेश्चन निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि आपको समझने में या याद करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और कई बार तो ऐसा होता होगा कि याद ही नहीं कर पाते होंगे। तो आज की इस ट्रिक में, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही ट्रिक्स बताऊंगा। विश्व की प्रमुख गर्म जल धाराएं, जो समुद्री जल धाराएं होती हैं, महासागरीय जल धाराएं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी हैं और उन्हें कैसे याद किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें समझनी हैं, ट्रिक्स समझनी हैं कि कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं, कैसे कैसे उनको याद करना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ठीक है, क्योंकि सारी ही ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है, प्रमुख जल धाराएं, तो इसमें है विश्व की प्रमुख जल धाराएं, इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है गम के आंसू क्यों बहाए एलिनो। क्या है ट्रिक? गम के आंसू क्यों बहाए एलिनो। तो इसको गम से मतलब हो गया गल्फ स्ट्रीम, आंसू से बना सुशीमा धारा, आंसू से, ठीक है, क्यों से बना क्यूरोशिवो धारा, बहाए से मतलब ब्राज़ील धारा, अलिनो से बने अला लिनो धारा। तो कौन कौन सी धाराएं हुई? गल्फ स्ट्रीम, सुशीमा धारा, क्यूरासिवो धारा, बहाए, ब्राज़ील धारा, एलिनो, एला लिनो धारा। तो कुल मिला के 5 जल धाराएं ऐसी जो गर्म जल धाराएं हैं और प्रमुख जल धाराएं हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, या पूछा जाएगा इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है, वहाँ पर 3 ठंडी जलधारा दे देंगे तो पूछा जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है, गम के आंसू क्यों बहाए एलिनो, और इसको कैसे अप्लाई करना है वो सब आपको पता है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थी विश्व की प्रमुख गर्म जलधाराएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा याद करने की जो ट्रिक है वो है सुषमा आज वीवी विपरीत दिशा में क्यों गई। यहाँ वीवी से मतलब विश्वविद्यालय, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सुषमा आज विश्वविद्यालय विपरीत दिशा में क्यों गई। सुषमा आज विश्वविद्यालय विपरीत दिशा में क्यों गई, तो सुषमा से बना सुषिमा जलधारा, आज से मतलब अलास्का धारा, वी से, पहले वाले वी से बना उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, और दूसरे वी से बना दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, और विपरीत में विपरीत विषुवत रेखीय धारा, और लास्ट आ जाता है क्यों, क्यों से मतलब क्यूरोशिवो धारा, ठीक है। तो कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हुई प्रशांत महासागर से संबंधित? सुषिमा जलधारा, अलास्का जलधारा, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, विपरीत विषुवत रेखीय धारा, क्यूरोशिवो धारा। और इनको याद करने की ट्रिक हो गई, सुषमा आज विश्वविद्यालय विपरीत दिशा में क्यों गई। तो अच्छी ट्रिक है, आसानी से याद की जा सकती है। तो ये थी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। और इसके बाद आते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा को याद करने की ट्रिक, और वो है, वो ट्रिक है कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा याद करने की ट्रिक है, प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल। क्या ट्रिक है? प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल। तो क्यों से बना क्यूराइल धारा, क्यों से बना क्यूराइल धारा, अन से ये ठंडा है इसमें जो बना क्यों क्यूराइल धारा, अन से अंटार्कटिका धारा, है से हम्बोल्ट धारा, और कल, अंकल का कल ले लिया इन्होंने, तो यहाँ पर ले लिया हमने कैलिफोर्निया धारा। तो क्यों क्यूराइल धारा, अन से अंटार्कटिका धारा, है से हम्बोल्ट धारा, और कल से कैलिफोर्निया धारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा याद करने की ट्रिक है प्रशांत ठंडा क्यों है अंकल, ठीक। तो आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा याद करने की जो ट्रिक है वो है बागी वीवी में गल्फ स्ट्रीम का फ्लो लाना। तो बागी वीवी में, यहाँ पर फिर से मतलब विश्वविद्यालय याद कर सकते हो आप, बागी विश्वविद्यालय में गल्फ स्ट्रीम का फ्लो लाना। तो बा से बना ब्राज़ील धारा, ठीक है, गी से गिनी धारा, वी से विश्व उत्तरी विषुवतीय धारा, और दूसरे वी से बना दक्षिणी विषुवतीय धारा,
ला से लारेल धारा, ना से नार्वे धारा, फ्लो से फ्लोरिडा धारा, और लास्ट में आता है गल्फ स्ट्रीम धारा। तो कौन कौन सी धाराएं हुई? ब्राज़ील धारा, गिनी धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा, लॉरेल धारा, नार्वे धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। और ट्रिक क्या थी हमारी? बागी विश्वविद्यालय में गल्फ स्ट्रीम का फ्लो लाना। तो ये भी आसान ट्रिक है अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा याद करने की जो ट्रिक है वो है आंटी लेवल ग्रीन करना। क्या ट्रिक है? आंटी लेवल ग्रीन करना। तो आंटी से बना अंटार्कटिका धारा, लेबल से लैब्राडोर धारा, ग्रीन से पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, करना से करानी धारा। कौन कौन सी धाराएं होगी? अंटार्कटिका धारा, लैब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कनारी धारा। और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? आंटी लेवल ग्रीन करना। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा याद करने की ट्रिक है आंटी लेवल ग्रीन करना। और चार हमारे पास धाराएं हैं, अंटार्कटिका धारा, लैब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा और कनारी धारा। ठीक है, और अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और हमारे पास जो धारा आती है वो आती है हिंद महासागर की, हिंद महासागर की गर्म जलधारा। तो हिंद महासागर की गर्म जलधारा याद करने की ट्रिक है अगुल मामा मैडम मौज में। क्या है ट्रिक? अगुल मामा मैडम मौज में। तो माँ से बना दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, माँ से बना उत्तरी पूर्वी मानसून धारा, अगुल से अगुलहास धारा, मैडम से मैडागास्कर धारा, मौज से मोजम्बिक धारा। तो कौन कौन सी धारा? पांच धाराएं बनी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, अगुलहास धारा, मैडागास्कर धारा, मोजम्बिक धारा। और इनको याद करने की ट्रिक क्या बनती है? अगुल मामा मैडम मौज में। तो हिंद महासागर की गर्म जल धाराएं याद करने की ट्रिक है अगुल मामा मैडम मौज में। तो गाइज ये हिंद महासागर की गर्म जल धारा हो गई। अब इसके बाद जो रह जाती है हमारे पास हिंद महासागर की ठंडी धारा, केवल दो, अंटार्कटिका धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, केवल दो हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमारे तीन महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, ठीक, और प्रशांत महासागर से संबंधित गर्म धारा और ठंडी जलधारा को याद करने की ट्रिक थी। आर्कटिक महासागर में जलधारा नहीं है, पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, उत्तरी पोल है। ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड धारा कोई भी नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में कोई ट्रिक भी नहीं है। तो इन तीन महासागर से संबंधित जो जरूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट धाराएं थी वो सभी इसमें शामिल कर ली गई हैं। और मैं मानता हूँ अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। ये आप भी जानते हैं कि यहाँ एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, और एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको अटका देता है और जिसको आप आसानी से याद नहीं कर पाते हैं। तो ये ट्रिक इन्हीं धाराओं से संबंधित थी। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। उससे क्या होगा कि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, चाहे वो जीके ट्रिक्स से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, रीजनिंग से रिलेटेड हो, तो जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।